वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने अपना वर्किंग कैपिटल क्रेडिट असेसमेंट का जो टॉपिक स्टार्ट करा था उसके अंदर हम जो अपने टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें आप लास्ट वीडियो जिसको क्लियर कर सकते हैं। तो कैश क्रेडिट लिमिट, सीसी लिमिट हमने क्लियर कर लिया है, ओवरड्राफ्ट लिमिट का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट का टॉपिक स्टार्ट करने से मैंने 5 लेक्चर्स की सीरीज बनाई थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्लियर करवाने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में बेसिकली डोमेस्टिक लेटर ऑफ क्रेडिट भी होती है, फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट भी होती है। तो दो तरह की लेटर ऑफ क्रेडिट मेन जो हमने देखी थी वहाँ पे, कुछ और टाइप्स भी स्टडी करी थी इसके साथ, वो आप लेक्चर में डिटेल्स जान सकते हैं। तो उसके बाद हमने कवर किया था अपना प्रोडक्ट की लेटर ऑफ क्रेडिट की डिस्काउंटिंग कैसे होती है, जिसके अंदर हमने फॉरेन बिल नेगोशिएटेड, जो कि बेसिकली फॉरेन एलसी जो है ये वाली एलसी, इसकी डिस्काउंटिंग है, और लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, ये जो इनलैंड एलसी है इसकी डिस्काउंटिंग है, इसको हमने सेपरेट लेक्चर में कवर किया। और जो हमने पिछला लेक्चर बनाया था उसके अंदर हमने डिटेल्स में बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी जो है, बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी, उसके बारे में डिटेल में समझा और उसको इंटरलिंक किया कि प्रायर टू नीरव मोदी स्कैम के पहले की ये फैसिलिटी किस तरह से थी, और आफ्टर नीरव मोदी स्कैम के बाद ये फैसिलिटी किस तरह से है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं, जो हमारा एक बेसिक टॉपिक है टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स का। तो जो आज का वीडियो है, आज का वीडियो किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, सबसे पहले हम एक नई चीज़ के बारे में जानेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर ये क्या चीज़ है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IFSC भी बोल दिया जाता है, IFSC बोल दिया जाता है, ये क्या चीज़ है। गिफ्ट सिटी के बारे में जानेंगे, ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है, वैसे ये दोनों चीज़ें ही इंटरलिंक्ड है, और बट इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम जानेंगे कि जो लास्ट लेक्चर पे हमने बायर्स क्रेडिट का फंडा सारा डिस्कस किया था, उसको गिफ्ट सिटी के थ्रू किस तरह से किया जा सकता है, गिफ्ट सिटी का क्या रोल है, और आजकल बैंक्स इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, हाउ बैंक्स आर यूटिलाइजिंग दिस, तो हम ये इस वीडियो के थ्रू ही देखेंगे। उसके बाद बायर्स क्रेडिट में क्या प्राइस डिटरमिन होता है, क्या प्राइस रहता है उसका, और उसका टेन्योर क्या रहता है, ये डिस्कस करेंगे। आज एक नया प्रोडक्ट सीखेंगे हम, फॉरेन करेंसी डिमांड लोन का, जिसको FCDL शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है। और सबसे लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के इम्पैक्ट क्या रहता है बायर्स क्रेडिट का और FCDL का ड्रॉइंग पावर पे। जब हम CC लिमिट किसी क्लाइंट को सेंक्शन करते हैं तो ड्रॉइंग पावर कंप्यूट करते हैं ना, तो ड्रॉइंग पावर के बारे में एक सेपरेट लेक्चर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अब हम जानेंगे कि बायर्स क्रेडिट का और FCDL का ड्रॉइंग पावर ऑफ द बोरोअर पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर ये क्या चीज़ होती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। देखिए पहले कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम इंडियन हैं, देखिए हम रेजिडेंट हैं इंडिया के, तो हमने इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन करनी है, जैसे बैंक से ट्रांजैक्शन करनी है, इंश्योरेंस कंपनी से ट्रांजैक्शन करनी है, या किसी से भी ट्रांजैक्शन करनी है, तो हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम कंसर्न्ड कंपनी जो है उसको अप्रोच करेंगे, जो भी फैसिलिटी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रांजैक्शन को अंजाम उनके साथ दे देंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन ये आता है कि हम तो इंडियन है और हमने इंडिया में ही अपनी इंडियन कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करनी है, तो हमारे लिए आसान है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट हो, जो फॉरेन नेशनल हो या नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, अगर उसने इंडिया में ट्रांजैक्शन करनी है, इंडिया में बैंक्स के साथ डील करना है, इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर के साथ डील करना है, इंडिया के शेयर मार्केट के साथ डील करना है, तो उसके लिए डायरेक्टली इंडियन बैंक्स को या इंडियन इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करना बड़ा डिफिकल्ट है। सिमिलरली अगर ऑपोजिट साइड पे देखा जाए कि अगर मैं इंडियन हूँ और मैंने फॉरेन के बैंक्स के साथ, फॉरेन की मार्केट के साथ किसी तरह से कोई डीलिंग करनी है, तो मेरे लिए बहुत ही कम्बरसम और लेंथी टास्क हो जाता है ये चीज़ का करने को, ठीक है। तो इन चीज़ों की देखिए डिफिकल्टी है, किनको डिफिकल्टी है, एक तो फॉरेन वाले बंदे को इंडियन बैंक्स के साथ या इंडियंस के साथ डील करने में, और जो इंडियंस हैं उनको फॉरेन ट्रांजेक्शन या फॉरेन मतलब फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने से। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्सेप्ट डिवेलप हुआ, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया 2007 में एक हाई पावर्ड कमेटी थी, उन्होंने अपने उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी को रिपोर्ट सौंपी और बताया कि हमें एक इंटरनेशनल लेवल का सर्विसेज सेंटर
अपने इंडिया में खोलना चाहिए। अब देखिए, ये सर्विसेज सेंटर जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर होते हैं, ये दो तरह के हो जाते हैं, एक इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, एक रीजनल लेवल के होते हैं। इंटरनेशनल लेवल के सर्विसेज सेंटर वो होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे सभी को, हर एक कंट्री को, जैसे हर एक कंट्री की सेवाएं मतलब यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और जो रीजनल लेवल के सर्विसेज सेंटर होते हैं वो रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन को सर्व करने में हेल्प करते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जैसे न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, सिंगापुर में है, ये ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो रीजनल लेवल के हैं, फॉर एग्जांपल दुबई में है जो रीजनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये 2007 में प्रपोज किया गया कि इंडिया में भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर खोला जाए, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा या क्या मतलब क्या इसका प्रपोजिशन था वो मैं आपको समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में, पहले समझ लीजिए। 2007 में इसको प्रपोज किया गया, जब 2007 में प्रपोज किया गया तो इसको 2014-15 तक लगा लीजिए कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया गया। बट जो नरेंद्र मोदी जी थे, उस टाइम जब गुजरात के जब वो सीएम थे, तो जो गुजरात में वाइब्रेंट समिट होता है, एक वाइब्रेंट समिट जो दो साल में एक बार वाइब्रेंट समिट परफॉर्म किया जाता है, तो उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि गुजरात के पास जो बेसिकली अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में मेनली गांधीनगर के पास एक एरिया बनाया जाएगा जिसमें फर्स्ट IFSC जो इंडिया का उसमें खोला जाएगा, जिसमें फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो है वो खोला जाएगा, राइट। तो ये उन्होंने उस टाइम डिक्लेयर कर दिया, और उसको खोलते खोलते आप लगा लो कि 2017 तक टाइम आ गया कि जब तक जाके वो वहाँ पे ओपनिंग उसकी होनी शुरुआत हुई। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर क्या है कि एक तरह का ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहाँ पे क्या हो सकता है कि जहाँ पे जो आप हैं वो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, और जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स को बड़ी आसानी से यहाँ पे परफॉर्म कर सकती हैं। तो इसका फंडा क्या है कि इसके अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, मान लो ये स्टेट है पूरी, स्टेट के अंदर ये एक एरिया है जिसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया गया, SEZ एक्ट के अंदर, उसके अंदर उसको इस चीज़ के लिए एलिजिबल कर दिया गया कि ये एक तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये है तो इंडिया में ही एरिया, बट इसको गवर्नमेंट लॉ की अप्लीकेबिलिटी के हिसाब से जो मतलब लॉ किस चीज़ का, जो फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शंस के साथ रिलेटेड लॉ है, उसके साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक गवर्नमेंट या अपना लॉ इसको मानता है कि ये एक तरह से फॉरेन कंट्री है। क्या मान लिया जाता है कि जैसे ये जो गिफ्ट सिटी वर्ड मैं बाद में यूज करूंगा, जो ये पर्टिकुलर एरिया मैप कर दिया गया है, ये एक तरह से इंडियन टेरिटरी में एक फॉरेन कंट्री है। तो क्या होएगा कि अगर यहाँ पे कोई बैंक खोल दिया जाए इस एरिया में, मान लीजिए ICICI बैंक है, ICICI बैंक ने इस एरिया में अपना एक बैंक खोल दिया, अपनी एक ब्रांच खोल दी, तो उसको माना जाएगा कि ये आईसीआईसीआई की फॉरेन ब्रांच है, राइट। तो जिस किसी इंडियन रेजिडेंट ने फॉरेन चीज के साथ डीलिंग करनी है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो वो इनके साथ डील कर सकता है। जो कोई फॉरेन कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो यहाँ से डील कर सकता है, राइट। बट इंडियन पर्सन अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो यहाँ पे उसकी ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए तो इस एरिया के बाहर भी तो सारी जो बैंक्स हैं, जो शेयर मार्केट है, वो सारी अवेलेबल है ना इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। जैसे हम लुधियाना में बैठे तो लुधियाना में हम अपना सेविंग खाता तो खोल ही सकते हैं किसी भी बैंक में जाके। तो इंडियन ने इंडिया में करनी है उसके लिए तो बाहर वाला एरिया बहुत है, बट ये जो पर्टिकुलर एरिया, एक छोटा सा एरिया जो फिक्स कर दिया गया, यहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल लेवल की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं वो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया बना दिया गया जिसको नाम दिया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जिसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही हो सकती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। अब फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे इंश्योरेंस आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, शेयर मार्केट आ जाता है, इस तरह की। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे परफॉर्म की जा सकती हैं, कौन सी सर्विसेज, जो इंडियन ने
फॉरनर्स किस फॉरन में करनी है या जो फॉरनर ने इंडियन में करनी है, इंडियन टू इंडियन यहाँ पे अलाउड नहीं है, राइट। तो इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी। अब ये सर्विसेज जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी इनेक्ट की गई 2020 में, जिसको किस तरह से इनेक्ट किया गया, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पास किया गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पास किया गया 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने। देखिए 2007 में आइडिया आया था और इस चीज को इंप्लीमेंट करते करते 2019 आ गई। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी है, इसका हेडक्वार्टर रखा गया गांधीनगर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया? गांधीनगर गुजरात में। पहले ये जब ये 2007 में प्रपोज किया गया था, तब ये प्रपोज किया गया था कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो अपना जो फाइनेंशियल हब है मुंबई उसके अंदर रहेगा। बट 2007 के बाद इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसके पीछे दलीलें दी गई कि ओपोजिशन का बोलना था कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी ही स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है और इसका जो सर्विसेज सेंटर है वो यहाँ पे खुलवा दिया, जो कि महाराष्ट्र में होना चाहिए था। बट जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने बोला कि भाई आप लोगों ने अगर ये करना ही था तो आपके पास इतना टाइम था 2007 के बाद, तो आप लोगों ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? आप लोग पहले खोल देते, हमने आके नेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बनाया है, तो गिफ्ट सिटी को बनाया तो उसके अंदर हम अपना सेंटर खोल रहे हैं। तो इस तरह से किया गया। अब जो जैसे फॉरेन कंपनीज हैं, जैसे फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वहाँ पे देखा गया कि अगर फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम कभी आरबीआई से बात करें, अगर बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट है, शेयरिंग में इन्वेस्टमेंट है तो सेबी से बात करें, इंश्योरेंस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट है तो आईआरडीए से बात करें, तो उनको लगता है कि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल अथॉरिटीज हैं इंडिया में, तो हमें तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ बिजनेस चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी को बनाया गया उसको आरबीआई की, सेबी की, IRDI यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर के जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जैसे उसको, उसकी और जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन चार ऑर्गेनाइजेशन की सारी पावर्स को इनको दे दिया गया। इन चार जो रेगुलेटर्स हैं इंडिया की, इनकी कंबाइंड पावर एक ही जगह पे दे दी गई। तो अब कितना आसान हो गया कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है, अगर उसको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको इनसे या इनसे सेपरेटली बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इनसे बात करेंगे तो इनके पास इन सब की सारी पावर्स वेस्टेड है और इनके अंदर अराउंड 9 मेंबर्स की कमेटी रहती है, जिसके अंदर सारे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी एक दो मेंबर्स होते हैं, इन सारी अथॉरिटीज़ के कुछ मेंबर्स होते हैं और कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो ये मेंबर सारा मिलकर रेगुलेट करते हैं इस एरिया को। और यहाँ पे जो है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कल को जैसे फॉरेन नेशनल को इंडिया में इन्वेस्ट करना या इंडियन को फॉरेन इन्वेस्ट करना आसान हो जाए, फॉरेन करेंसी का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो और इंडिया में जो ईज़ ऑफ बिजनेस है फॉरेन नेशनल के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, ईज़ ऑफ बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि फॉरेन करेंसी का मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लो हो सके इंडिया के अंदर। तो इसके लिए बनाया गया इस चीज़ को। तो इसको कहाँ पे बनाया गया? गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी क्या है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, इसकी फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ये अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में लोकेटेड है और जो अहमदाबाद की बाउंड्री से तो बाहर है, नियर टू गांधीनगर गुजरात ये लोकेटेड है। तो जैसे मैंने बताया कि 2007 में जो आइडिया है उसको प्रसीव किया गया। जो गिफ्ट सिटी है बेसिकली जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर ही है, इसको यहाँ पे इनेक्ट किया गया है गिफ्ट सिटी, इसको गिफ्ट सिटी नाम दे दिया गया और गिफ्ट सिटी के अंदर ही IFSC को इनेक्ट कर दिया गया है। तो अप्रैल 2021 के अंदर यहाँ पे 225 प्लस ज़्यादा कंपनीज काम कर रही हैं गिफ्ट सिटी के अंदर और जो इसके बेनिफिट्स हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के, और यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेशन बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करे हैं, टैक्सेशन बेनिफिट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ सके यहाँ पे। टैक्सेशन बेनिफिट्स भी यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं अगर आप यहाँ पे अपना जाके काम करते हैं। तो गिफ्ट सिटी को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया गया यहाँ गुजरात गांधीनगर के पास, राइट। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है उसके साथ रिलेटेड आरबीआई ने कुछ क्या गाइडलाइंस दी, आप ध्यान से पढ़िए। 2015 में आरबीआई ने बताया कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन IFSC, जो कि IFSC में इस्टेब्लिश करी गई है, यानी कि गिफ्ट सिटी में इस्टेब्लिश की गई है, शैल बी ट्रीटेड एज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। उसको माना जाएगा कि वो एक जो पर्सन है या जो एंटिटी है या जो और इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, ये माना जाएगा। वो तो मैंने आपको बताया था ना कि जो वो पर्टिकुलर एरिया है उसको एक फॉरेन कंट्री मान लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल
उसको ये बोल दिया जाता है कि एक फॉरेन कंट्री है विद इन इंडिया, राइट। तो देयर फॉर अ ट्रांजेक्शन बाई ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर कोई भारतीय बंदा विद अ इंस्टीट्यूट इन आईएफएससी, कोई आईएफएससी के अंदर लोकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रांजेक्शन करता है, तो वो ट्रांजेक्शन क्या मानी जाएगी? इंडियन और नॉन इंडियन के बीच में, इंडियन रेजिडेंट और नॉन इंडियन रेजिडेंट के बीच में वो ट्रांजेक्शन समझी जाएगी, और उसके ऊपर जो फेमा की रेगुलेशंस है वो अकॉर्डिंगली अप्लाई हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि बस एक फॉरेन कंट्री है, अगर आप ये गांधीनगर के पास एक फॉरेन कंट्री बना दी, अगर आप गांधीनगर में रहते हैं और आप यहाँ पे कोई डील करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने फॉरेन कंट्री के साथ कोई डील की है, और फॉरेन एक्सचेंज के साथ रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो एक और आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दी कि जो बैंक्स सेटअप करेंगे, कोई बैंक्स जो हैं वो आईबीयू यानी कि आईएफएससी बैंकिंग यूनिट जो भी यहाँ पे सेट होएगी, उसको आरबीआई की परमिशन चाहिए, और उसको किस उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक। आरबीआई ने बोला कि अगर आपने कोई बैंकिंग यूनिट आईएफएससी के अंदर स्टेब्लिश किया है, तो उसको माना जाएगा कि आपने एक तरह से फॉरेन ब्रांच खोल लिया, क्योंकि वो एरिया क्या है, एक तरह से मिनी फॉरेन कंट्री ही है विद इन इंडिया। तो आरबीआई मानता है कि आपने एक तरह से फॉरेन ब्रांच खोल ली है, राइट। तो ये सारी चीज पढ़ने का हमको फायदा क्या है, कि मैं ये चीज आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? देखिए उसका क्या मोटिव है, बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी, नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं। देखिए बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी जो हमने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में, डिटेल में डिस्कस करी थी, जो जिसमें मिस्टर ए जो कि इंडिया में लोकेटेड है, मिस्टर बी एक्सपोर्टर जो अमेरिका में लोकेटेड है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना जो माल मंगवाया है उसके बदले में पेमेंट करनी है, तो मिस्टर ए क्या करेगा, इंडियन बैंक के थ्रू जो फॉरेन बैंक से बोरिंग करेगा, तो इंडियन बैंक जो है एसबीएलसी इशू करेगा फॉर ओवरसीज ब्रांच को फॉरेन कंट्री की, तो जो ओवरसीज ब्रांच है वो इंडियन बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देगी, इंडियन बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देगी, और जो नोस्ट्रो अकाउंट से इसको पेमेंट कर दी जाएगी, नोस्ट्रो अकाउंट से इसको पेमेंट कर दी जाएगी। तो एसबीएलसी जो है इंडियन बैंक इश्यू करेगा, और जो बोरोअर कौन रहेगा, मिस्टर ए, जो लेंडर कौन रहेगा, वो है ओवरसीज बैंक। इस तरह से हमने जो प्रोसेस है वो डिटेल में पढ़ा था, जो उसकी ज़्यादा डिटेल जाननी है तो लास्ट लेक्चर को जरूर देखिए। तो देखिए अब अगर आरबीआई ने ये डिक्लेयर किया, आरबीआई ने पिछली स्लाइड में हम डिक्लेयर किया कि कोई भी बैंकिंग यूनिट जो आईएफएससी में एस्टेब्लिश्ड है, तो उसको माना जाएगा कि वो एक तरह से फॉरेन ब्रांच ही है, वो ओवरसीज ब्रांच ही है, ओवरसीज ब्रांच, या उसको ऑफशोर बैंक भी कह सकते हैं, ऑफशोर बैंक वो माना जाएगा, राइट। तो अब अगर कोई बैंक गिफ्ट सिटी के अंदर लोकेटेड है, ब्रांच जैसे आईसीआईसीआई की फॉर एग्जांपल कोई ब्रांच है गिफ्ट सिटी के अंदर, तो जो ये ट्रांजैक्शन एसबीएलसी की इसके साथ हो रही है, तो इसको हम ना करके अगर इसके साथ भी कर ले तब भी ओके है, तब भी आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो कंप्लाइड है, आरबीआई की गाइडलाइंस को हमने फुलफिल कर लिया है, राइट। क्योंकि जो ये इंडियन बैंक इन गिफ्ट सिटी है, ये एक तरह की फॉरेन कंट्री में ही ब्रांच है, वो एक तरह से ओवरसीज ब्रांच है, तो इसके अंदर हम आरबीआई की कोई भी रूलिंग को, कोई भी गाइडलाइंस को डिफीट नहीं कर रहे, तो हम इसके थ्रू भी ट्रांजेक्शंस अपनी बायर्स क्रेडिट की को अंजाम दे सकते हैं, कोई प्रोसेस में चेंज नहीं है। बस ये जो अमेरिका में बैंक था, जो अमेरिकन टेरिटरी में बैंक था, वो डिलीट हो जाएगा अपने सारे फंडे के अंदर, और जो इंडियन टेरिटरी की गिफ्ट सिटी के अंदर जो ब्रांच है उसको रिप्लेस कर देगा वो, ठीक है, वो उसको रिप्लेस कर देगी इस चीज को, ठीक है। बस इन दोनों में इतना ही फर्क है, बायर्स क्रेडिट थ्रू गिफ्ट सिटी, और इसका ये बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया कि गिफ्ट सिटी का बैकग्राउंड असल में था क्या। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो बायर्स क्रेडिट है, बायर्स क्रेडिट के बारे में जान लेते हैं कि इसका टेन्योर क्या रहता है और इसकी प्राइसिंग क्या रहती है। देखिए बायर्स क्रेडिट नॉन कैपिटल गुड्स, मतलब जो आपकी डे टू डे जो आप ट्रेड करते हैं, जो गुड्स में आप डील करते हैं, कैपिटल गुड्स मीन्स मशीनरी वगैरह हो गया। अगर आप तो कोई बाहर फॉरेन कंट्री से कोई मशीनरी मंगवा रहे हैं, तो बायर्स क्रेडिट आप मैक्सिमम 3 साल के लिए अवेल कर सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो मशीनरी होती है वो बहुत महंगी होती है, बहुत कॉस्टली आइटम होती है, और उससे जो प्रोडक्शन होनी है और जो उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होना है उसको आने में आपको टाइम लगेगा। तो इस वजह से हम आपको 3 साल तक का बायर्स क्रेडिट मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं, 3 साल तक का आपको टाइम दे सकते हैं, बैंक 3 साल के लिए आपको फाइनेंस कर सकता है इस मशीनरी को, तो 3 साल के बाद आपको इसकी रीपेमेंट आपको करनी है, ठीक है।
तो 3 साल का है। अगर आपने कोई गुड्स मंगवाई है जो आपने मंगवा के बेच ही देनी है, या जिस गुड्स को मंगवा के आपने उससे कुछ चेंजेस करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग करनी है और मैन्युफैक्चर करके उसको सेल कर देना आके, ठीक है, जिस जो आपका रेगुलर बिजनेस है, तो आप बायर्स क्रेडिट कितना टाइम के लिए ले सकते हैं? 1 साल, या जो आपका बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है, विच एवर इज लेस, तो आप उतने टाइम के लिए बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। और बायर्स क्रेडिट का प्राइस के बारे में भी आरबीआई बता रहा है। आरबीआई बता रहा है कि जो बायर्स क्रेडिट का मैक्सिमम प्राइस रहेगा, आप मैक्सिमम कितना बैंक आपसे बायर्स क्रेडिट का कितना चार्ज कर सकते हैं, वो चार्ज कर सकते हैं लाइबर, यानी कि लंदन इंटर बैंक रेट। लंदन इंटर बैंक रेट जो है, इसके बारे में मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा कि ये क्या होता है। बेसिकली ये फॉरेन करेंसी में जब बोरिंग करनी होती है हमने, तो लाइबर जो है एक रेट होता है कि जिसमें बैंक से एक दूसरे को फॉरेन करेंसी उधार देते हैं, जिस रेट पे वो एक दूसरे को उधार देते हैं, जैसे रेपो रेट होता है ना, जिस रेट पे मतलब आरबीआई और बैंक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं मनी, तो इसी तरह से लंदन इंटर बैंक रेट होता है कि जिस रेट पे फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी विद इन द फॉरेन बैंक्स और मतलब डोमेस्टिक बैंक्स जिस रेट पे एक्सचेंज करी जाती है। मान लीजिए ये 3% है, ये कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मान लीजिए ये 3% है कि जो इंडियन बैंक है वो उसको जो फॉरेन करेंसी है वो 3% ब्याज पे मिलनी है फॉरेन कंट्री से, और उस फॉरेन करेंसी को यूज करके वो पेमेंट करेंगे ना हम लोग अपना फॉरेन इंपोर्ट के लिए, तो मान लीजिए 3% पे मिलनी है और उसके ऊपर 250 BPS। देखिए 100 BPS इज इक्वल टू 1%, तो जो 250 BPS है वो किसके इक्विवेलेंट हो गए? 2.5% के। तो 3 + 2.5% तो मतलब 5.5%, 5.5% पर एनम से ज़्यादा आपको जो है वो इंटरेस्ट बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी पे नहीं लगा सकता कोई भी बैंक। आरबीआई ने इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यही रहेगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है फॉरेन करेंसी डिमांड लोन, कि ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है, कि इसका फंडा क्या है, कि फॉरेन करेंसी डिमांड लोन क्या प्रोडक्ट होता है। देखिए बायर्स क्रेडिट जो फैसिलिटी है उसके अंदर SBLC रूट डाला हुआ है, हमने SBLC रूट डाला हुआ है ना, कि भाई हमारा इंडियन बैंक जो है, जो ओवरसीज ब्रांच है, जो ओवरसीज बैंक है, उसको SBLC इशू करेगा, उस SBLC मतलब उस गारंटी के बेसिस पे जो फॉरेन ब्रांच है या ओवरसीज बैंक है वो फॉरेन करेंसी हमारे नोस्ट्रो अकाउंट में हम ट्रांसफर करेगा, उस नोस्ट्रो अकाउंट से हम पेमेंट करेंगे, तो मतलब SBLC जरूरी है तो फॉरेन बैंक से बोरिंग के लिए। तो फॉरेन करेंसी डिमांड लोन में क्या था कि इन्होंने SBLC का, ये बैंक्स ने का अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैंक्स ने खुद बनाया है, ये कई बैंक्स इसको यूज करते हैं, खुद बनाया प्रोडक्ट है। इसके अंदर SBLC का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, कहते हैं कि इसके अंदर हम SBLC का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे। अगर SBLC का कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा तो मतलब आपके ऊपर बायर्स क्रेडिट के साथ रिलेटेड जो रूल्स हैं वो नहीं अप्लाई हो रहे, राइट। तो एक तो ये उन्होंने चेंज कर दिया कि हम SBLC इसके अंदर इशू नहीं करेंगे, तो फिर इसके अंदर करेंगे क्या, इसके अंदर क्या होएगा कि ये डिलीट हो जाएगा फॉरेन बैंक, ये डिलीट हो जाएगा। आपकी डीलिंग सीधा किसके साथ है? अपने बैंक के साथ डीलिंग है, ये अपने आप फॉरेन करेंसी अरेंज करेगा। अब इसमें आप और इसका लिंक नहीं है, आपका और फॉरेन ब्रांच का लिंक नहीं है। इसमें बायर्स क्रेडिट पहले ये था ना कि आपने यहाँ से बोरिंग करनी है इसकी SBLC की गारंटी के थ्रू, अब इसमें ये कंसेप्ट नहीं है, आपने इसको जस्ट फंडिंग के लिए अप्रोच करना है। इसने जो फॉरेन करेंसी है वो यहाँ अरेंज तो यहीं से करनी है, यहीं से अरेंज तो यहीं से करनी है, बट कैसे करेगा वो इसकी हेडेक है। पहले तो हमारी डील ये यहाँ पे करवा रहा था और बीच में गारंटी दे रहा था, अब ये वाला कंसेप्ट नहीं है। अब हम सिर्फ इसको बोल रहे हैं कि हमें पेमेंट चाहिए, ये पेमेंट फॉरेन करेंसी की जहाँ से मर्जी अवेल करे, ये इसकी हेडेक है, अपने को कोई टेंशन नहीं है, ये हमें पेमेंट अरेंज करके देगा और पेमेंट सीधा इसको कर देगा, ठीक है। वो इसका इंटरनल प्रोसेस है कि वो ये फंडिंग यहाँ से कैसे लेगा, फंडिंग तो उसने यहीं से लेनी है, राइट। तो अब फंडिंग के अंदर SBLC का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, तो देखिए अब SBLC का कॉन्सेप्ट नहीं रहा तो बायर्स क्रेडिट के नॉर्म्स भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे, तो बैंक ने इसके ऊपर थोड़ा सा चेंज किया कि देखिए पर्पज तो इसका सेम ही है कि पेमेंट करना, जो फॉरन की पेमेंट करना पर्पज तो सेम ही है बायर्स क्रेडिट वाला, बस इसमें SBLC रूट नहीं है। नॉर्मली जो ये फॉरन करेंसी डिमांड लोन है ये कैपिटल गुड्स के लिए, यानी कि मशीनरी मंगवाने के लिए यूज़ नहीं होता, मशीनरी मंगवाने के लिए इसको यूज़ नहीं करते अपना फॉरेन करेंसी डिमांड लोन को, ठीक है। तो जो बायर्स क्रेडिट में हमारा टेन्योर था वो, क्योंकि कैपिटल गुड्स तो आ नहीं रही तो 3 साल का टेन्योर तो आएगा ही नहीं, 3 साल का टेन्योर तो आएगा ही नहीं, तो इसके अंदर क्या रहता है कि आनी नॉन कैपिटल गुड्स ही हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन थी कि 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवरेज लेस,
तो जो FCDL है उसमें 1 ईयर की जगह क्या कर दिया हमने, 6 मंथ्स कर दिया कि ये कम पीरियड के लिए देंगे, 6 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लेस, इसका यही टेन्योर रहता है। तो फॉरेन करेंसी डिमांड लोन इशू करने का फायदा क्या है? देखिए बैंक्स को इसका इशू करने का क्या फायदा है, उसको फायदा यह है कि यहाँ पे प्राइसिंग को RBI रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप LIBOR प्लस 250 BPS मतलब इतना ही चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम, तो आपकी मैक्सिमम इतना चार्ज कर सकते हैं, कम आप चाहे चार्ज करना चाहे आप कर ले, मैक्सिमम आप इतना चार्ज कर सकते हैं, इसके अंदर प्राइसिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब मान लीजिए कोई बैंक किसी कस्टमर से 300 BPS यानी कि 3% चार्ज करना चाहता है एक्स्ट्रा, तो वो तो ये बायस क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर तो चार्ज कर नहीं पाएगा क्योंकि RBI की रूलिंग है उसके अगेंस्ट। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, देखिए बैंक ने तो अपना ही फायदा सोचना है ना, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए फॉरेन करेंसी डिमांड लोन वाली ऑप्शन है जिसके ऊपर RBI की गाइडलाइन नहीं है और मैक्सिमम प्राइसिंग की, तो वो प्राइसिंग अपने हिसाब से इसके अंदर रख सकता है। तो आप इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, ये फॉरेन करेंसी डिमांड लोन वाली फैसिलिटी है। तो इसके अंदर बस 2-3 चीज़ों का ही डिफरेंस है, SBLC रूट नहीं है, बायस क्रेडिट पर्पज सेम है, कैपिटल गुड्स के लिए यूज नहीं करते और टेन्योर इसका कम रहता है, राइट। और नॉर्मली इसके अंदर आपको प्राइसिंग बायस क्रेडिट से ज़्यादा मिलने की संभावना है। तो जो हमारा लास्ट और जो मेन टॉपिक है इसके अलावा क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ बायर्स क्रेडिट एंड FCDL ऑन ड्राइंग पावर ऑफ द बोरोअर, कि बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी जो हमने दी है, FCDL जो हमने दिया है, उसका बोरोअर की ड्राइंग पावर के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है। देखिए ये सब पढ़ने से पहले हम ड्राइंग पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए ड्राइंग पावर का फॉर्मूला, ड्राइंग पावर के ऊपर मैं बड़ा डिटेल्ड लेक्चर आपको पीछे ही बना के दे चुका हूँ। ड्राइंग पावर का फॉर्मूला था स्टॉक प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स, जो ये फिगर आ गई, इस फिगर का 25% करना है हमने, जो कि प्रमोटर मार्जिन है वो लेस कर दिया, ये एक ग्रॉस ड्राइंग पावर आ गई। इसके अंदर जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब यूटिलाइजेशन, जितनी यूज की हुई है, अगर आपने 1 करोड़ की लिमिट को सैंक्शन किया है उसमें से 50 लाख की यूज किया, तो हमने जो यूज अमाउंट है वो देखनी है, जो यूज अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग द फिगर्स ऑफ स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स, वो लोन फैसिलिटीज जिनसे आपकी स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स की फिगर्स को इम्पैक्ट हो रहा है, उनकी जो यूटिलाइजेशन है, जो यूज है, उनको हमने लेस कर देना है। उसको लेस करने के बाद जो निकल के आएगा ये हमारी क्या बनेगी, ड्राइंग पावर बनेगी। तो यहाँ पे हमने जो बायर्स क्रेडिट या FCDL जिन उनकी जो यूटिलाइजेशन है, जितना उसको यूज किया हुआ है, उसको यहाँ पे हमने इंक्लूड करना है, यहाँ पे हमने उसको इंक्लूड करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी। देखिए प्रीवियस लाइन पढ़ लेते हैं, देयर आउटस्टैंडिंग मस्ट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द ड्रॉइंग पावर ऑफ द बोरोअर, उसकी ड्रॉइंग पावर में से रिड्यूस करना है। आउटस्टैंडिंग कब देखनी है, जिस दिन हम ड्रॉइंग पावर कंप्यूट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आज 4 जुलाई है, अगर मैं 4 जुलाई को किसी बोरोअर की ड्रॉइंग पावर निकाल रहा हूँ, तो मैं 4 जुलाई को कितनी यूटिलाइजेशन है वो देख लूंगा। अगर मैं 31 मई को निकाल रहा हूँ, तो मैं 31 मई को कितनी यूटिलाइजेशन है वो देखूंगा। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं 31 मई की ड्रॉइंग पावर कंप्यूट कर रहा हूँ और जो यूटिलाइजेशन है वो मैं 4 जुलाई की देख रहा हूँ कि 4 जुलाई को कितनी यूज थी। वो तो 31 मई को ड्रॉइंग पावर देखनी है बंदे की, और 31 मई को ही देखना पड़ेगा ना कि कितनी यूटिलाइजेशन थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जिस दिन ड्रॉइंग पावर निकाल रहे हैं उसी दिन की यूटिलाइजेशन इस चीज़ की देखी जाए। देखिए अभी एक चीज़ क्लियर देखिए समझ लीजिए कि क्या है कि मिस्टर ए इम्पोर्टर है, मिस्टर बी एक्सपोर्टर है। बायर्स क्रेडिट और FCDL में दोनों में क्या है कि हमने एक्सपोर्टर को पेमेंट करनी है। अब मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जो इंडिया में बैठा है, इसने मिस्टर बी से माल मंगवाया है, तो मिस्टर बी इसका क्या है, क्रेडिटर है। मिस्टर बी क्या है, क्रेडिटर है। तो बायर्स क्रेडिट और FCDL को यूज करके वो क्या कर रहा है, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है, अपने क्रेडिटर को पेमेंट ही तो कर रहा है वो इसको यूज करके। तो इससे क्या हुआ, हो रहा है कि उसकी जो क्रेडिटर की फिगर है, जो उसके क्रेडिटर की फिगर है वो इम्पैक्ट हो रही है, इम्पैक्ट हो रही है ना क्रेडिटर की फिगर। तो आप ध्यान से देखिए, हमने ड्राइंग पावर में पढ़ा था कि कोई भी फैसिलिटी जिससे स्टॉक डेटर्स या क्रेडिटर्स की फिगर्स को इम्पैक्ट पहुंच रहा हो, उसकी यूटिलाइजेशनों को हम माइनस करेंगे। तो ठीक है, तो बायस क्रेडिट और FCDL से हमारे क्रेडिटर्स को तो पेमेंट हो रही है, तो इसकी फिगर्स इम्पैक्ट कर रही है ना, तो इस वजह से इसकी यूटिलाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। इसको एक सिंपल और छोटी सी एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो समझ लीजिए एक बायस क्रेडिट FCDL यूज किया है आपने, जो जिससे आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है। देखिए अगर हम बायस क्रेडिट और FCDL की पेमेंट को यूज नहीं करते, उससे पहले पोजीशन क्या है,
हमने माल मंगवाया मिस्टर डेविड से जो कि अमेरिका में रहते हैं, तो उनसे 75 लाख रुपए का माल मंगवाया, तो हमारे पास यहाँ पे स्टॉक है 75 लाख रुपए का स्टॉक आ गया और 75 लाख रुपए उनको हमने पे करने, राइट। तो जब हम ड्राइंग पावर बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि 75 लाख रुपए का तो स्टॉक है जी, माइनस जो क्रेडिटर्स हैं वो 75 लाख रुपए के हैं, राइटर्स, ठीक है। तो जो ड्राइंग पावर आपकी निल है, राइट, हम यही ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन बनाएंगे कि है ही नहीं, ड्राइंग पावर जीरो है यहाँ पे तो। बट अब हमने क्या किया कि ये 75 लाख रुपए जो उसको पे करने थे मिस्टर डेविड को अमेरिका में, हमने बैंक को बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी के लिए अप्रोच किया, बायर्स क्रेडिट या FCDL फैसिलिटी के लिए अप्रोच किया, और उस फैसिलिटी के यूज करके हमने इसको 75 लाख रुपए पे करवा दिए। बट उसको तो 75 लाख रुपए उसके अपने मिल गए, उसको तो रिसीव हो गए, पर ये पेमेंट किसने की, इसको पेमेंट किसने की, बैंक ने पेमेंट की ना, किसके बिहाफ पे पेमेंट की, हमारे बिहाफ पे पेमेंट की, हम इम्पोर्टर हैं, हमारे बिहाफ पे पेमेंट की, तो हमने तो बैंक को पे करना पड़ेगा ना, ड्यू डेट पे हमने तो बैंक को पे करना है ना, वी शुड पे द बैंक ऑन ड्यू डेट। तो बैंक क्या हो गया, हमारा क्रेडिटर हो गया ना, तो जो पेमेंट उसने यहाँ पे 75 लाख रुपए की इसको कर दी, तो ये तो निल हो गया, बट बैंक की देनदारी बन गई 75 लाख रुपए की, स्टॉक वहीं के वहीं रहा। अब अगर आप नॉर्मली चलते, अगर आप इस चीज पे ध्यान ना दें, तो आप कहेंगे कि ड्रॉइंग पावर कितनी है, 75 लाख रुपए का स्टॉक है जी, 75 लाख रुपए का स्टॉक है, जो क्रेडिटर्स हैं वो नील है, राइटर्स तो है ही नहीं, राइटर्स नील है, वो तो खत्म है, जीरो है क्रेडिटर्स, तो 75 लाख रुपीज स्टॉक रह गया आपका, तो इसके ऊपर 25% प्रमोटर मार्जिन है, यानी कि 75% आपका जो है ड्राइंग पावर आपकी बनती है इसके ऊपर। तो आप तो सिंपल ड्राइंग पावर बना देंगे और उसको बोल देंगे कि इसकी जो ड्राइंग पावर बन रही है यहाँ पे, बट एक्चुअल में उसकी ड्राइंग पावर यहाँ पे नहीं बन रही, रीजन बीइंग क्योंकि उसकी जो फैसिलिटी यूटिलाइजेशन है, जहाँ पे जो फैसिलिटी उसने यूज़ की हुई है बायस क्रेडिट की 75 लाख रुपए की, इसको यहाँ से डिडक्ट करना चाहिए ना। आप खुद ही देख रहे हैं कि ये तो एक तरह से मिस्टर डेविड का नाम चेंज करके मैंने बायस क्रेडिट नाम रख दिया, बात तो वही हुई ना कि मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल्स में क्या किया कि यहाँ पे मिस्टर डेविड को हटा दिया और बायस क्रेडिट का नाम लिख दिया। पैसे तो अभी भी मैंने इस स्टॉक के अगेंस्ट देने हैं, ये स्टॉक तो अभी भी मेरा पेड स्टॉक तो बना नहीं है, यहाँ पे भी इस स्टॉक के अगेंस्ट मैंने पैसे देने थे, और यहाँ पे भी जो ये स्टॉक है इसके अगेंस्ट अभी मैंने ये पैसे देने हैं, तो पोजीशन तो वहीं के वहीं रही। तो हम नटशेल में बाय बुक ना चले कि भाई क्रेडिटर्स को ही लेस करना है, हमने एक्चुअल पोजीशन देखनी है कि हमने उस स्टॉक के अगेंस्ट पेमेंट करी है कि नहीं करी है। तो वो स्टॉक की पेमेंट अब डेविड के नाम पे ना खड़ी होगी, बैंक की बायस क्रेडिट या FCDL फैसिलिटी के नाम पे खड़ी है, तो उस वजह से उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसको लेस करना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है यहाँ पे। तो यही था तो जो हमारा ड्राइंग पावर वाला कंसेप्ट था, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो ये लेक्चर तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसको, वो लेक्चर मेरा एक कॉन्सेप्ट टॉक रहेगा जस्ट स्विफ्ट कोड के बारे में, मैं इस लेक्चर में उसको कवर नहीं करा पाया, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। पोस्ट दैट जो मैं आपको पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो स्टार्ट करवाऊंगा कि पैकिंग क्रेडिट में प्री शिपमेंट फैसिलिटी आ जाती है, पोस्ट शिपमेंट फैसिलिटी आ जाती है। पोस्ट शिपमेंट फैसिलिटी में से एक फैसिलिटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, FBN वाली, बाकी और क्या होती है वो भी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाने जा रहा हूँ। तो उसके बाद हमारा जो फॉरेक्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम मशीनरी टर्म लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, बिल्डिंग टर्म लोन्स पढ़ेंगे, नॉर्मल टर्म लोन्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। जब ये प्रोडक्ट्स भी हमारे कवर हो गए और मोटा मोटा और भी जो कुछ 2-4 प्रोडक्ट्स आते हैं उनको जो हमने ब्रीफ कवर कर लिया, देन उसके बाद हम अपने नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम अपने फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में भी जानेंगे, सिबिल्स के बारे में जानेंगे, बैंकिंग एनालिसिस हो गया, PD नोट्स हो गया, एंड वेरियस अदर मैटर्स जो हमारे बैंक्स के साथ रिलेटेड, CMA डाटा कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ों की डिस्कशन होगी, और भी इंटरनल बैंकिंग के जो नॉर्म्स हैं उन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आके डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आप इसको लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ, और कोशिश करें कि जिन लोगों को ज़रूरत है इन चीज़ों की, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, और जिनको कोई हैंड होल्डिंग नहीं मिल रही, जिनको कोई मेंटरशिप नहीं मिल रही, इसके साथ रिलेटेड कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कॉन्सेप्ट्स को, आप उनको इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की इसके अंदर हेल्प हो सके। तो मैं आपको नेक्स्ट संडे मिलूंगा अपने स्विफ्ट कोड वाले लेक्चर के साथ। थैंक यू।